हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू द ज्ञान यात्रा दिस इज अनुराग सिंह वी आर लर्निंग इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है पहले भी तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि सोयल को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है और सोइंग कैसे करनी है प्लो का यूज़ किया था इन सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो फॉर दैट पार्ट यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो ओके तो इस कंटेंट में इस सेकंड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है इरिगेशन सो व्हाट इज द इरिगेशन बेसिकली सभी जानते हैं इरिगेशन क्या होता है इरिगेशन uh, पानी देना रहेगा क्रॉप्स को सिंचाई कहते हैं उसे हिंदी में तो so, हमें इस पार्ट में इरिगेशन पढ़ना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ना है हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एंड वेनोइंग पढ़नी है एंड देन स्टोरेज पार्ट आता है ठीक है तो so, बेसिकली इस पार्ट में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज बाद में लेंगे जब पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टर्म का ठीक है तो इस पार्ट में हम यही इरिगेशन प्रोडक्शन फ्रॉम वीट्स हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एंड एंड स्टोरेज पार्ट पढ़ने वाले हैं ओके okay? so पहला जो हम फर्स्ट uh, पार्ट में छोड़ दिए थे वो था मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पार्ट यानी मेन्योर फर्टिलाइजर्स के पार्ट पर आकर के हमने uh, वहाँ पे स्टॉप किया था अभी मेन्यर फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें जानना है है ना तो मेन्यर फर्टिलाइजर्स किस तरीके से यूज होते हैं क्यों यूज करना है बेसिकली वो हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं लेकिन uh, किस तरीके के रहते हैं तो इन सबको यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा ठीक है मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ये होते क्या इनके टाइप्स क्या क्या हैं ठीक है तो मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं लाइक फॉर्म यार्ड मैन्योर ठीक है मैन्योर क्या होता है इसमें जो है कैटल कैटल ड्रग एंड फॉलन लीव्स ट्रिक्स इस तरीके की जो नेचुरल चीजें रहती हैं ना उसको उसको, उसको यूज किया जाता है ये इस तरीके के मेन्योर्स से बन रहे होते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट आता है कंपोस्ट व्हाट इज दिस कंपोस्ट एक्चुअली तो कंपोस्ट ये होता है जो सड़ी गली चीजें होती है ना जैसे रॉटन वेजिटेबल्स हुए सेवेज हुए स्लज हुआ या एनिमल रिफ्यूज यानी कि हाँ एनिमल वेस्ट जो रहते हैं इस तरीके की चीजें अब वो एनिमल वेस्ट कंपल्सरी नहीं है वो ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है, animal, है ना तो साइंस में एनिमल के जनरा uh, में ही हम लोगों को भी लिया जाता है ह्यूमन बींग्स को भी लिया जाता है तो मतलब किसी भी तरीके का वेस्ट जो रहेगा वेस्ट पार्ट जो रहेगा उसको कंपोस्ट में काउंट किया जाता है यानी कि अगर हम बात करें तो वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट पार्ट लाइक फीसेस एंड यूरिनस वगैरह जो भी हैं तो फील्ड uh, में uh, गाँव में अक्सर लोग जाकर के वहाँ पे uh, कर रहे होते हैं इस तरीके का तो फिर उससे क्या फायदा उससे फायदा मतलब नुकसान तो होता ही ऑब्वियसली तो लेकिन फ़ायदा भी है फ़ायदा इस तरीके से है कि वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कंपोस्ट किए जाएंगे हमने पिछले वीडियो में देखा था उसमें मैंने बताया था कि अर्थवर्म्स एंड कुछ माइक्रोब्स रहते हैं तो वो सब इस तरीके का काम करते हैं कि उसको कंपोस्ट करेंगे कंपोस्ट करने से जो सॉइल रहेगा वो अगेन फर्टाइल हो जाता है ठीक है तो ये चीज़ है नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्यर <coughs> वट इज मेन सो दीज आर फास्ट ये फटाफट जो है उगने वाले रहते हैं, जो की, आ, रहेंगे के साथ, ग्रीन फॉर एग्जाम्पल सनह ठीक है तो ये इस तरीके से ग्रीन मेन्योर्स भी होते हैं ठीक है तो फॉर्मयार्ड कम्पोस्ट ग्रीन मेन्योर ये चीजें मेन्योर फर्टिलाइजर्स के मतलब मेन्योरस के टाइप हैं ठीक है एडवांटेजेस क्या रहेंगे मेन्यूर के फायदा क्या है मेन्यूर का ठीक है मेन्यूर फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस रहता है दोनों काम बेसिकली एक ही जैसा कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस तो रहेगा ही उनके कैरेक्टर में ठीक है तो ये हमें थोड़ा सा जानना रहेगा अच्छा एडवांटेज क्या रहता है एडवांटेज ये है कि जो ऑर्गेनिक मेन्योर होता है दैट इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स है ना मेन्योर जो रहते हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनिक रहेंगे ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक जो भी वर्ड है जैसे ऑर्गेन ऑर्गेन से निकला हुआ ये वर्ड है तो ऑर्गेनिक मतलब होता है ऑर्गेन से रिलेटेड किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल विच कैन बी यूज टू फर्टाइल सोयल दैट कैन बी नॉन एज द मैन्योर ओके सो ऑर्गेनिक मेन्योर्स जो रहते हैं ये ऑर्गेन से निकले रहते हैं यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे ये तो ये बेहतर माने जाते हैं फर्टिलाइजर से बाय फर्टिलाइजर्स आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल अक्सर अच्छे नहीं होते हैं ठीक है बेसिकली अगर उनकी लिमिट ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं किस तरीके से ये फर्टिलाइजर्स से अच्छे माने जाते हैं वाट आर द एडवाटेज ऑफ मेन्योर्स ये हम थोड़ा पॉइंट्स में समझते हैं इसको देखिए फर्स्ट पॉइंट इट इनहसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं की प्रोवाइडिंग ह्यूमस ह्यूमस है ना प्रोवाइड करते हैं और उस तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोयल की बढ़ाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एबजॉर्ब कर इट इट मेक्स मेक्स द द पोरस पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी पोरस मतलब होता है छेद हो जाना है ना बहुत सारे क्षेत्र हो जाते हैं तो वो अगर छेद रहेंगे बहुत सभी तो फिर वहां से गैसेज एक्सचेंज आसानी से हो सकते हैं

से आ, वो एक symbiosis relation में रह रहा होता है, है ना दाल वगैरह फ्रेंडली नेचर के यहाँ पे उसको जो है, है इंक्रीज हो जाता है अच्छा इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉयल टेक्सचर मीनस जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है सोयल की उसका जो टेक्स्चर है यानी कि अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं हमने सुना भी है ना भीड्स और सैंडी एक्सेट्रा तो अलग अलग तरीके के सॉयल में अलग अलग तरीके की चीजें उगाई जाती हैं ना ग्रो की जाती हैं तो उसका टेक्सचर भी वो चेंज करता है अच्छा नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स और केमिकल सब्सटेंसेज है ना फर्ट हमने यहाँ पे मेन्यस देखा तो वट आर द फर्टिलाइजर्स एक्चुअली तो फर्टिलाइजर्स अभी मैंने बताया था कि वो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं है ना तो वो वो रिच रहते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिय मेंटिकुलर न्यूट्रिय रहेगा जैसे कुछ example यहां पे हम लेते हैं जैसे यूरिया हुआ है ना एमोनियम सल्फेट हुआ सुपर सल्फेट हुआ पोटाश हुआ है ना पोटाश एन पी के एन पी के का एन uh, पी के बारे में uh, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था वट इज एन पी के एक्चुअली एन फोर नाइट्रोजन पी फोर फॉस्फरस एंड के फोर पोटेशियम ओके सो so, इनका भी यूज किया जाता है तो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज पैडी एंड मेज ठीक है तो बेटर प्रोडक्शन तो ये देते ही हैं ऑब्वियसली लेकिन वही चीज है कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं तो ज्यादा अगर इनकी क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं ठीक है ये हम एसिड बेस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं सेवेंथ क्लास में अच्छा हज़ार्स क्या रहेंगे फर्टिलाइजर्स के अगर हम उनको यूज करते हैं तो उनसे नुकसान क्या क्या हो सकता है ठीक है उनसे नुकसान ये होता है कि तो यूज है, सिग्निफिकेंट है ना बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करता है वो क्रॉप के प्रोडक्शन में काफी अच्छी हेल्प कर सकता है लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है फिर तो कॉन्टीन्यूस क्या द continuous use has made soil less fertile and has also caused water pollution bilkul hai na to agar hum uska continuous use karte hain zyada quantity mein use karte hain to soil ko fertile nahi karega aur water pollution bhi isse shuru ho jati hai acha increased use of nitrogenous fertilizers can lead to eutrophication। ये eutrophication क्या होता है Algal bloom है ना Algae बहुत सारे आ जाएंगे in nearby water। बॉडीज तो इससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में ठीक है तो किसी भी चीज़ की लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस ये रहता है कि कोई चीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स है ना वो फायदा भी दे सकते हैं और वो नुकसान भी कर सकते हैं ठीक है अच्छा डिफरेंसेस यहाँ पे हम देखते हैं टेबल एक जनरेट की है यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट मटेरियल होंगे ठीक है manures जो रहेंगे नेचुरल सब्सटेंस बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज ओके तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे और ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि डीकंपोज करने के बाद बनते हैं कैटल डंग है ना ह्यूमन और प्लांट रेसिड्यूज है ना यानी कि जो पत्तियां वगैरह वगैरह जो खराब हो जाते हैं कई सालों से पड़े रहते हैं तो उनसे भी ये चीजें बनती हैं अच्छा फर्टिलाईजर इज प्रिपेयर ये फैक्ट्रीज में बनेंगे बट मैन्यीपेयर्ड इन फील्ड वो खुद ही फील्ड में बन जाते हैं इनको बनाने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है

प्लांट न्यूट्रेन की जैसे नाइट्रोजन की फास्फोरस की और पोटेशियम की लेकिन मेन्योर जो है रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट से एज इट न्यूट्रेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स है ना इसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं रहता कि हमें भाई नाइट्रोजन चाहिए तो ये नाइट्रोजन देगा है ना हमें पोटेशियम चाहिए तो ये पोटेशियम देगा यूरिया चाहिए तो यूरिया देगा ऐसा नहीं रहेगा इसमें हर तरीके का कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना दिस कैन बी प्रोवाइडेड द ऑर्गेन ऑफ द द एनिमल और ह्यूमन बींग एक्सेट्रा है ना या किसी प्लांट से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें जो है हर तरीके के कंपोनेंट्स रहेंगे ठीक है लेकिन यह यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इसके पास पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्मेंट्स सॉरी कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है तो जब पर्टिकुलर टाइप के कंपोनेंट्स रहेंगे तो ऑबियसली अगर हम उसका यूज़ ज़्यादा करें तो हो सकता है कि ये चीज़ें एक्सीड कर जाएँ क्वांटिटी में और तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ठीक है अच्छा फर्टिलाइजर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन बिल्कुल क्योंकि एसिड या बेस किसी भी चीज़ का हम यूज़ करेंगे केमिकल का तो वो वाटर पॉल्यूशन करेगा बेसिकली अच्छा मेन्योअर्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशन मेन्योअर पॉल्यूशन नहीं करते हैं वाई क्यों नहीं करते क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है सिंपल ठीक है नेक्स्ट आता है पार्ट इरिगेशन ठीक है तो इरिगेशन जो पार्ट है ये काफी कंपलसरी है पढ़ना क्या है इसमें कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज जितने भी हैं उनको वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए हम कहीं भी देखें हम आसमान में उड़ने वाले जीवों को देखें पृथ्वी पर चलने वाले जीवों को देखें या पानी में जो रह रहे हैं उनको देखें प्लांट्स को देखें किसी भी तरीके के लिविंग थिंग्स को देखें ठीक है तो सबको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है सबको रहती है अभी हम माइक्रोप्स पे चले जाएं तो वो चीज़ अलग है लेकिन उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है ठीक है विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव एक्चुअली तो वाटर इज नेसेसरी फॉर द क्रॉप फॉर द फॉलोइंग रीजन क्या रीजन हो सकता है भाई क्यों चाहिए क्रॉप को पानी है ना पानी पीता है क्या क्रॉप बिल्कुल नहीं लेकिन क्यों चाहिए वाटर क्यों कंपल्सरी है तो हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपेरेशन सिक्सथ क्लास में सेवेंथ क्लास में भी थोड़ा सा पार्ट आया था तो ट्रांसपीरेशन हम पढ़ चुके हैं तो उसमें पानी निकल रहा होता है वो पानी कहाँ से आ रहा है जब पानी अंदर था तभी निकल रहा है ना तो पानी अंदर गया क्यों ठीक है तो वो सारी प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसेंथेसिस वगैरह में हमें मालूम है क्योंकि खाना बिना पानी के नहीं बनने वाला है चाहे वो प्लांट में बने चाहे बाहर ठीक है तो अब इसको जरा समझते हैं वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स फ्रूट सीड्स ऑफ प्लांट्स ठीक है तो इसके लिए तो रिक्वायर रहेगा अच्छा रूट फेल टू डेवलप एंड एलोंगेट इन अ ड्राई सॉयल ठीक है वाटर की रिक्वायरमेंट मिट्टी पे हम जो पानी डाल रहे होते हैं क्यों डाल रहे हैं बिकॉज ड्राई सॉयल में वो जो है एलोंगेट नहीं कर सकता डेवलप नहीं कर सकता रूट पेनीट्रेट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि गीली मिट्टी रहती है तो उसमें आसानी से पेनीट्रेशन हो सकती है लेकिन अगर सूखी मिट्टी है वो एकदम कॉम्प्लेक्स मटेरियल टाइप का बनी हुई है तो फिर उसमें पेनीट्रेशन इम्पॉसिबल है है ना अगर है भी तो फिर इतनी अच्छी से नहीं हो सकता पेनीट्रेशन नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी प्लांट की और वो इतना बढ़िया ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है अच्छा रूट्स ऑल्सो एब्सॉर्व डिजॉल्व मिनरल्स ठीक है रूट्स तो ये जो है डिजॉल्व मिनरल्स को आ, रूट uh, जो है एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं न्यूट्रिय से अलॉन्ग विद वाटर है ना तो बिना पानी के अब देखें हम आ, अपनी ही बॉडी में हम देखें तो अगर आ, बात करें हम ब्लड की तो ब्लड जो होते हैं ब्लड वेसल से मूव कर रहे होते हैं अभी ब्लड वेसल से मूव कर रहे हैं तो ब्लड किसी किसी चीज को ले जा रहे हैं जैसे हारमोन्स को ले जा रहे हैं ठीक है और फूड सब्सटेंसेस को ले जा रहे हैं जो ग्लूकोज वगैरह रहेगा और भी कई तरीके की चीजें यह ऑक्सीजन मतलब मूवमेंट हो रहा है इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हो रही है इनकी वजह से तो ये मूवमेंट क्यों हो रही है कैसे हो पा रही है सूखी चीज पर किसी भी चीज की मूवमेंट नहीं हो सकती ठीक है तो अंदर वो एक फ्लूड रहेगा ब्लड जो है वो फ्लूड से भी बनता है उसके अंदर हम जानते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे डब्ल्यू बी सी आर बी सी प्लेटलेट एंड प्लाज्मा तो डब्ल्यू बी सी आर बी सी प्लेटलेट्स को लेकर के कभी भी कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती है ना इट नीड्स प्लाज्मा एक्चुअली सो प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ द वॉटर है ना तो बिना पानी के मूवमेंट नहीं तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि रूट अगर किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है रूट किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो बिना पानी के उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती है और हम जाइलम फ्लोएम दो उसके ही पढ़ चुके हैं कि भाई दो तो वेसल्स रहेंगे प्लांट के अंदर जाइलम जाइलम एंड फ्लोएम वो वेसल रहता है जो रूट से होता हुआ रूट से होता हुआ जो भी सब्सटेंस है जो भी मिनरल है वो जाइलम के थ्रू होता हुआ पत्तियों में या स्टेम्स वगैरह में जा रहा होता है ठीक है तो पानी की रिक्वायरमेंट इसलिए रहेगी क्लियर अच्छा दूसरी चीज होती है पानी आ, प्लांट में आ कहाँ से जाता है हम एक्चुअली सेवंथ में पढ़ चुके हैं बट रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ये पानी आता कैसे है हमने ट्रांसफरेशन पार्ट पढ़ा है ट्रांसफरेशन क्या होता है कि जब आ, प्लांट प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा रहेगा ठीक है जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है जब स्टोमेटा की ओपनिंग होगी तो उसमें से आ, पानी जो है वास बन के मतलब भाप बन के उड़ जाएगा ठीक है तो वेपराइजेशन होगी प्रॉपरली तो जब भी वेपराइजेशन होती है एक साइड वेपराइजेशन होगी तो पानी बाहर जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है एक फोर्स एग्जर्ट होगा वो जो है उसको पंप करेगा उसको खींचेगा ठीक है तो उसको खींचने की वजह से वो जो पानी है उस रूट के थ्रू होता हुआ जमीन से रूट के थ्रू होता हुआ ऊपर की ओर जाएगा ठीक है तो इस तरीके की जो सेक्शन हो रहे होते हैं वो अक्सर कंप्लीट होते रहेंगे एक साइड पानी जो है बाहर जाएगा दूसरी साइड पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा ठीक है तो पानी तो एब्जॉर्बशन होगा ही रूट से ठीक है अच्छा नेक्स्ट आता है वाटर हैज़ कूलिंग इफेक्ट ऑन क्रॉप प्लांट बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आ गया कूलिंग इफेक्ट यही है ट्रांसफेरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट का ही काम करता है एक तरीके से ठीक है जो पानी जो है बाहर जाएगा वेपराइज होकर के और जब बाहर जाता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है प्लांट को जो उसका प्रोसेस अंदर फोटोसिंथेसिस वगैरह चल रही है तो वो एक हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रही है लेकिन जब पानी उससे बाहर निकल के जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा कूलिंग इफेक्ट देगा वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड बिल्कुल ये तो हम घर में भी देख चुके हैं कई बार कि भाई जर्मिनेशन अगर सीड की चाहिए तो वाटर का कंपल्सरी है वाटर कंपल्सरी रहेगा ठीक है अच्छा ड्यू टू दबो रीजन इन सब रीजन की वजह से प्रोवाइड करना पड़ता है वाटर को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड एक तो रहता है कि टाइम टू टाइम मतलब अक्सर एक टाइम होता है कि हाँ भाई इस टाइम को हमें पानी देना है वो टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं रहेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं रहेगी कि छह बजे सात बजे जो भी है उसको हमें पानी देना है ये रहता है कि जैसे सनलाइट है सनलाइट में पानी देना कंपलसरी है कई बार कुछ लोग शायद मतलब ऐसे ही समझ लेते हैं कि प्लांट्स को हम रात में भी पानी दे दें दे तो भी चलेगा ऐसा नहीं रहता है रात में पानी देने से फायदा नहीं बिकॉज हाँ ट्रांसपोर्शन प्रोसेस जो है रात में नहीं हो पाएगी है ना सनलाइट ही नहीं है तो वेपराइजेशन नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी अब किसी को ज़्यादा अगर हम खिला दें पिला दें तो क्या होगा फिर इसको ठीक है ओवर होने के चांसेस उसके बाद वो मुरझा जा जाता है खराब हो जाता है तो ओवर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का और गलत टाइम पे किसी भी चीज़ को कुछ देना नहीं चाहिए ठीक है तो पानी जो उसको दिया जाता है वो सुबह के टाइम ही दिया जाएगा इस तरीके और टाइम टू टाइम प्रोसेस होने चाहिए ये नहीं की आज दिया और फिर उसके बाद दस दिन बाद पानी दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए रोज उसको जो है पानी देते रहे उसकी यूज के अकॉर्डिंग या जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग क्लियर अच्छा द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशन तो डिफरेंट इंटरवल्स पे जो हम वाटर प्रोवाइड करा रहे होते हैं क्रॉप्स को उसी को क्या बोला जाता है इरीगेशन अच्छा हाउ एवर द टाइम एंड ऑफ इरीगेशन वेर इज फ्रॉम अभी ये अलग अलग रहेगी टाइम और फ्रीक्वेंसी यानी कि कब देना है और कितनी बार देना है फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देना है पानी तो ये अलग अलग रहता है वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप अभी हम बोले की हम बात करें तो जितना कोई एक पर्सन ए खा रहा होता है क्या सेम क्वांटिटी पर्सन बी भी खा सकता है नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है तो सेम क्वांटिटीज कभी भी नहीं रहती हैं अलग अलग क्वांटिटीज रहेंगी अलग अलग टाइम रहेगा अलग अलग चॉइसेस रहेंगी उस हिसाब से जो है रहता है उसी तरीके से क्रॉप टू क्रॉप सॉयल टू सॉयल सीजन

ठीक है सीजन टू सीजन डिफर करता है किस तरीके से समर में है ना अब समर में क्या चाहिए भाई समर में गर्मी लगती है हम खुद तो ज्यादा पानी पी रहे हैं तो प्लांट्स को क्यों नहीं होगी रिक्वायरमेंट बिल्कुल होगी ठीक है तो समर में फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल ठीक है एवोपरेट कर जाता है सॉयल से ऊपर से ट्रांसपेरेशन भी फटाफट हो रही है अच्छा इन केस ऑफ वीट इरीगेशन इज रिक्वायर्ड एट इंटरवल्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ है ना अलग अलग जो इसके stages रहते हैं ना वीट के तो उसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग उसकी कैपेसिटी प्रोवाइड होती है करता है कि भाई इतनी क्वान्टिटी में उसे पानी चाहिए ठीक है राइस क्रॉप इज रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड उसमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए स्टैंडिंग वाटर मतलब पूरा जैसे पैडी का जो क्रॉप रहेगा तो वो जितनी भी हाइट का है उसकी लगभग आधी हाइट का उसमें पानी रिक्वायर्ड रहता है ठीक है आधी नहीं तो वन थर्ड तो चाहिए चाहिए अच्छा एस्योर्ड इरिगेशन एस्योर्ड इरिगेशन ये क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट ईयर इज कॉल्ड एस्योर्ड इरिगेशन है ना हमें अगर लगे कि भाई आ, वाटर जो है पूरे पूरे साल है ना ट तो पूरे -पूरे किया जा सकता है प्लांट को वाटर दिया जा सकता है तो क्या रहेंगे इरीगेशन के नॉर्मली भी हम सोचे तो इरीगेशन क्या पानी नहीं तो ना है ना पानी के सोर्सेज क्या हो सकते हैं नेचुरल सोर्सेज की हम बात कर रिवर हो सकता है डैम्स हो सकते हैं लेक्स है, है, हो सकते हैं पॉन्ड्स हो सकते हैं ट्यूबवेल्स हो सकते हैं बारिश का पानी हो सकता है है ना कई तरीके की चीजें ठीक है तो अब प्रॉब्लम यह आता है कि उनको कलेक्ट करने का था और कलेक्ट किस तरह से करें किस तरीके से उसको पहुंचाएं वहां फील्ड तक तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स आती थी उसके लिए अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करना शुरू किया गया अलग अलग, अलग चीज़ें बनी हैं अलग अलग उसके फिर स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए ठीक है तो जरा हम इसको भी देखते हैं ठीक है ट्रेडिशनल मेथड्स क्या रहता है इरिगेशन का ट्रेडिशनल यानी परंपरागत मेथड जो ऑलरेडी लोग यूज़ करते रहे हैं ठीक है बेसिकली जो यूज करते रहे हैं तो उसमें क्या आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर यूज इन डिफरेंट रिजन ऑफ द कंट्री फॉर लिफ्ट ऑफ लिफ्ट वाटर अप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस है ना अभी कुएं में से पानी निकालना है तो उसका भी तो प्रोसेस होना चाहिए ठीक है तो कुछ मेथड्स में क्या होता है कैटल या ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाएगा ठीक है इज यूज विच इज लेस एफिशियंट बिल्कुल भाई नहीं होता लेस एफिशियंट रहता है और चीपर रहेगा ठीक है लेकिन दूसरे मेथड्स में पंप्स को रन किया जाता है पंप्स एक्चुअली टेक्निकल चीजें हैं ठीक है तो पंप से ही काफी फायदा रहेगा और पंप किस पे चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पर या सोलर एनर्जी पर चलेगा ठीक है तो इस तरीके से चीजें की जा रही होती हैं आप आज क्या है कि ट्रेडिशनल वे को ना लेते हुए आ, उस पर आ जाता है कि किसके पास कितने पैसे हैं ठीक है ठीके? अगर ज्यादा पैसे हैं तो ऑब्वियसली वो जो है पंप्स वगैरह की ओर जाएगा और अगर ज्यादा पैसे नहीं है तो फिर वो ह्यूमन लेबर या फिर आ, एनिमल लेबर लेता हुआ काम करेगा ठीक है अच्छा डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स जो आते हैं इरिगेशन के वो हैं पुलिस सिस्टम जिसको मोट भी कहते हैं ठीक है पुलिस सिस्टम जिसको मोट भी कहते हैं चैन पंप आएगा रहत आएगी यानी पर्सियन व्हील लीवर सिस्टम भी बोला जाता है देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है पूछ सकता है पर्शन व्हील क्या है पूछ सकता है लीवर सिस्टम क्या है या रहत क्या है तो हमें तीनों ही नाम पता होना चाहिए अच्छा नेक्स्ट है ढेकली ठीक है तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी हम जरा यहाँ पे देखते हैं ये देखिए ये है ढेकली ये एक सिस्टम है ठीक है ली यहाँ पे इसको बांध रखा है पत्थर को यहाँ पे कुएं में जो है इस बाल्टी को डाला जाएगा उसमें पानी भरेगा और देन ये अपने आप ऊपर खींच लेगा ठीक है चैन पंप चैन पंप कैसा है देखिए यहाँ पे इस तरीके से है. तो ये एक पुली टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है इधर ये अः इस तरह से मूवमेंट करना रहेगा मूवमेंट करता है तो उसमें बाल्टी होती है यही मतलब बाल्टी बोले या मतलब कंटेनर्स छोटे छोटे वो रहते हैं वो मूव करते हैं और नीचे पानी भरते हैं और फिर वो ऊपर की ओर आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे है मोट, सिस्टम है ना तो पोले सिस्टम में भी यही चीज एक तरीके से बस रस्सी से खींचना रहेगा उसे और फिर उसके बाद पानी निकाल करके खेतों में डालना रहता है ठीक है रहत लेवर सिस्टम क्या है इसमें भी देखिये बाल्टी लगी हुई है इसका ये किस तरीके से तरीका बनाया जाता है फिर ये बैल या कोई पर्सन ही इसको जो है राउंड राउंड मूव कर रहा होगा और मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ये बाल्टी या जो भी कंटेनर्स हैं वो पानी को लेकर के नीचे से वो पुल करेंगे और ऊपर आकर के फिर वो पानी गिरा देंगे वो गिरता हुआ पानी फिर एक रूट बन, आ, मतलब एक रास्ता बनाता हुआ खेतों तक पहुंच जाएगा

ये हो okay, कि हम बैठ कर के लीवर सिस्टम या रहत वगैरह यूज करें तो मॉडर्न सिस्टम्स में यहाँ पे आता है देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक है ये मेथड क्या है दिस मेथड इज यूज इन केस द फील्ड इज अन ईवन एंड सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल ठीक है अगर सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं है फील्ड जो है अन है कभी कहीं ऊंचे नीचे या ज्यादा बड़ी जो भी है मतलब अन इवन केसेस में और सफ़िशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं हम देखें अगर कि हम सपोज बात ही कर रहे होते हैं ठीक है नहा रहे होते हैं अगर तो हम बाल्टी से अगर नहाए तो उसमें अलग पानी जा रहा है अगर स्प्रिंकलर्स का यूज करें तो पूरी बॉडी आसानी से जो है वेट हो सकती है और पानी का भी ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है ठीक है सिर्फ वेस्टेज की बात अगर हम करें तो ठीक है बाकी तो दूर की चीज है की एक होल करके छोड़ दिया वो अलग चीज है अच्छा उसी तरीके से अगर हमें किसी चीज को वेट करना है किसी चीज को गीला करना है पानी देना है तो उसको हम चाहे एक पूरे मग से बाल्टी से उसको दें या फिर स्प्रिंकल करें तो स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि बड़ी एरिया पर भी आसानी से पानी प्रोवाइड किया जा सकता है ठीक है

पर्टिकुलर पाइप्स रहेंगे और उनके ऊपर रोटेटिंग रहेंगे वो मूव कर रहे होते हैं ठीक है तो मूव करने की वजह से और उनपे जो है ओपन रहेगा उनका पार्ट कहीं पे दो ओपनिंग्स रहेंगी कहीं पे फोर ओपनिंग्स रहती हैं अलग अलग तरीके के तो वो मूव कर रहे होते हैं रोटेट कर रहे होते हैं और रोटेट करने की वजह से सारा स्प्रिंकल करके पूरा जा रहा रहेगा ठीक है

इट इज रेनिंग तो ये रेनिंग वेनिंग की तरीके से ही चल रहा है वो उस पर पूरा स्प्रिंकल कर रहा होता है स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर सेंडिस ऑयल ठीक है क्योंकि सेंडिस ऑयल को भाई टाइम टाइम पे पानी चाहिए और ज्यादा पानी चाहिए ठीक है तो हम अगर एकदम से बहुत ज्यादा पानी ले जाके वहाँ पे गिरा देते हैं तो वो फटाफट -फड़ उसको एबजॉर्ब कर जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा तो उसको रेगुलर वाटर चाहिए रहेगा तो आप चाहे एकदम भर के दे दें एक ही टाइम में चाहे उसको बहुत टाइम तक देते रहे तो जो बहुत टाइम तक आराम से उसको रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ दिया जा रहा है पानी वो ज्यादा यूजफुल को. तो स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली सैंडी सोइल के लिए काफी यूजफुल रहेगा ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं ये इसकी पिक्चर है ये देखिए ये पाइपलाइंस हैं ये पूरी फिगर आराम से देख आ, देख लेना है हमें देखिए वाटर सोर्स है पंप है यहाँ से पुलि से इसको पानी को खींचा जाता है तो ये मोटर लगी रहेगी एक्चुअली तो मोटर इसको पंप कर रही है पंप करके ये डिलीवरी पाइप है बाईपास वैल्यू एक सेकंड ये तो ये पास वॉल्व हैं। अगर देखो यहाँ पे ये बना हुआ है इसको हम मोड़ देते हैं इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं टर्न ऑन कर सकते हैं ठीक है दोनों तरीके से अच्छा फिर यहाँ से ये पाइप से होता हो जाएगा स्क्रीन फिल्टर से लगे हैं यहाँ पे और इस तरीके से मूव करता हुआ अभी ये हर पाइप में मूव करेगा हर पाइप में यहाँ पे मूव करेगा ठीक है अच्छा सभी जगह पर कर, एक रेगुलर इंटरवल पर ये जो है लगाए हुए हैं नोजल्स हैं ये ऊपर ये पार्ट जो है नोजल्स आ जा जाते हैं ये है ये है ठीक है तो ये नोजल्स हैं और यहाँ से जो है पानी पूरा रोटेट कर रहा होगा ठीक है राइजर पाइप्स क्यों आर सी बैंड ये सारी चीजें हैं क्लियर तो ये हो गया आपका स्प्रिंकलर सिस्टम ओके ये देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरीके से स्प्रिंकल अगर कर रहा होता है तो ठीक है तो इसमें भी ये दिखाया हुआ है।, इस तरीके से कर रहा है अभी हम पानी को अगर पूरे फील्ड में पहुंचाना है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम से एक वाइडर एरिया सेक्शन में जो है आसानी से पानी अच्छी क्वान्टिटी में पहुंच सकता है क्लियर अच्छा नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम अभी ड्रिप सिस्टम क्या है बूंद बूंद टपकने वाला जो सिस्टम है ड्रिप सिमट इज ड्रिप सिस्टम है ना तो इसको क्यों यूज करें भाई जब स्प्रिंकलर था तो

जहाँ पे पानी ज्यादा है अभी वहाँ पे आसानी से ना आ सकते जहाँ पानी कम है वहाँ पे फिर एक आधे दो चार मग से ही काम चलाना पड़ता है सिर्फ हाथ पैर धोकर के काम चलाना पड़ता है ना वैसे ही इसका भी सिस्टम है कि पानी अगर ज्यादा है तो बेशक आप कितना भी पानी दें उसे पानी ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा ठीक है ये बेस्ट टेक्निक रहती है फ्रूट प्लांट्स वगैरह के लिए है ना इससे बहुत बड़े बड़े क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फ्रूट प्लांट्स गार्डन ट्रीज ये छोटे मोटे जगहों पर जो है ड्रिप सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है ये है ड्रिप सिस्टम की पिक्चर ये ये देखें इस तरीके से लैटरल पाइप्स लगी हुई हैं यहाँ से पूरा पानी का पूरा प्रोसेस है ये सब अभी कोई खास जरूरी नहीं है फिर हम सिर्फ इतना सा देखते हैं ये ड्रिपर्स हैं या एमिटर्स भी बोल सकते हैं इनसे जो है प्लांट्स पर ये एक्चुअली लगे वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ये देते रहेंगे ठीक है क्योंकि फ्रूट प्लांट्स हैं तो फिर वो, वो ऐसे फ्रूट के सीड्स इस तरीके से नहीं फेंक दिए जाते कि हर जगह ही फ्रूट उगने शुरू हो जाए तो उनको एक रेगुलर इंटरवल्स पर रेगुलर स्पेस uh, पर जो है उनको uh, सीड को सो किया जाता है तो इस तरीके से हमें मालूम रहता है कि ड्रिपर्स किधर लगाना है ठीक है ये देखिए एक और ये ड्रिप सिस्टम का फिगर है यहाँ पे ये पानी के पैचेस आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये ड्रिपर्स लगे हुए हैं ये पानी के पैचेस हैं तो यहीं पे क्रॉप्स को उगाया जाएगा तो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा क्लियर ठीक है ये भी ये बिल ड्रिप सिस्टम की एक पिक्चर है ये देखिए हर जगह ड्रिपर्स लगे हुए हैं हर प्लांट के हर छोटे छोटे बिल्कुल हाँ, प्लांट के साथ अच्छा नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स अभी जब ये प्लांट्स वगैरह हम उगा रहे होते हैं तो हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है वीड्स से अब वीड्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में है ना प्रीवियस वीडियो में हम वीड के बारे में पढ़ चुके हैं कि वीड्स क्या होते हैं वीड जो होते हैं अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं एक्चुअली है ना वो साथ में उग जाते हैं और ये कम्पीट करते हैं जो रियल क्रॉप्स हैं जिनको हम यूज करने के लिए उगा रहे हैं जो एक्चुअली हमने ग्रो करने की कोशिश की है वो उससे कम्पीट कर रहे होते हैं जो भी उसका खाना पानी है यानी जो भी उसके न्यूट्रिय हैं जो उसको वॉटर दिया जा रहा है ठीक है तो उसको भी ये लेने लगेंगे और उससे जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे ठीक है तो वीट्स को हटाना बहुत जरूरी है बिकॉज उनकी कोई खास जरूरत नहीं है वो वो प्र... किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता है वो हो सकता है कि भाई भी निकले है ना जानवर भी उसको खाये नहीं तो इस तरीके का है तो फील्ड इसको कल्टिवेट नहीं किया जाता फार्मर अपने मन से नहीं कहता हाँ भाई आओ वीड ऐसा नहीं रहता तो वीट्स जो होते हैं अन रहेंगे अनकल्टिवेटेड रहेंगे कॉमन वीट्स जैसे कुछ नाम देख लेते हैं ठीक है शेनोपोडियम वाइल्ड ओट एंड ग्रास ठीक है ग्रास तो सभी जानते हैं शेनोपोडियम uh, और एमरेंथस का भी नाम याद रख लेंगे ना? क्योंकि पूछ सकता है और एक अच्छा इफेक्ट आता है अगर हम इस तरीके का एग्जाम्पल दें एग्जाम्स में तो बढ़िया लगता है अच्छा रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग बिल्कुल है ना अगर वीड्स को हटाया जाए तो वीडिंग ये नहीं समझ लेना कि वीडिंग मतलब वीड्स को उगाना बिल्कुल नहीं वीडिंग मतलब है वीड को हटाना ठीक है और हटेगा कैसे वीडी साइड का यूज़ करके है ना प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था साइड मीन्स होता है मारना या मरना ठीक है तो अगर हम खुद मर जाए तो सुइसाइड होता है फादर को मार साइड हुआ ठीक है सॉरी फैटरी साइड हुआ ब्रदर को मार दें फैटरी साइड हुआ है ना बहन को मार दें हॉररी साइड हुआ तो इस तरीके के बहुत सारे हैं उसी तरीके से वीट्स को मार दें तो वीडी साइड हुआ तो वीट्स के मारने वाला वीडी साइड्स हुए ठीक है तो वीडी साइड्स का यूज किया जाता है वीट कंपीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिय वाटर सनलाइट एंड दस अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स बताया था अभी ये कम्पीट करते हैं ठीक है अब ऑब्वियसली भाई आपको खाना पानी दिया जा रहा है और आपके पड़ोस वाला अगर कि उसको खा जाए तो कैसे चलेगा ठीक है तो फिर तो थोड़ा ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा है ना द ग्रो वेरी फास्ट एंड रिड्यूस क्रॉप है? सम वीट इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग है ना

छिड़कना चाहिए खेतों में कब उसको स्प्रेड करना चाहिए कब बीट को हटाना चाहिए ठीक है बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स इससे पहले कि वो फ्लावर या सीड प्रोड्यूस करें इससे पहले बीट को हटा देना चाहिए क्यों क्योंकि उसके बाद वो अगेन प्रोड्यूस होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर फ्लावर या बीट उनके सीड्स आ गए तो फिर एक तो जा रहा है लेकिन ऑलरेडी वो सीड वहाँ पे आ, मतलब आ चुकी है तो अभी हमने एक वीट को हटाया फिर उसके बाद दूसरे वीट ग्रो कर जाएगी ठीक है तो हमें चाहिए कि किसी को जड़ से ही हटा दिया जाए मतलब वीट्स को जड़ से हटाने का मतलब इससे पहले कि फ्लावर या सीड वो ग्रो कर पाए उससे पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए क्लियर

वो जो है एक खुरदुरी टाइप की हो जाती है ठीक है तो उसमें क्या रहेगा उसमें जो वीड्स ऑलरेडी जो उसमें फंसे हुए मतलब जो ऑलरेडी उसमें ग्रो कर रहे हैं तो वो भी जो है उखड़ करके बाहर आ जाएंगे क्लियर दिस हेल्प्स इन अप्रूटिंग एंड किलिंग दीड्स विच ट्राई अपट मिक्सड विद उनको मारने में आसानी रहेगी जो ऑलरेडी मिक्स हो चुके हैं थेके? खुद से काटना है अगर तो मैनुअली काटना है तो उसके लिए कोई ना कोई इम्प्लीमेंट्स लगेंगे वो क्या इम्प्लीमेंट्स है उसका नाम है खुरपी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है या ट्रैक्टर किसान लोग जो हैं वो इस तरीके के इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं वीड्स वगैरह को हटाने के लिए क्लियर नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है वो ये है कि कुछ केमिकल्स जैसे मैंने अभी बताया वीडी का यूज किया जाएगा किसका वीडी का ठीक है तो दे आर स्प्रेड आफ्टर विद वाटर इन द टू किल वीड्स ठीक है अच्छा जब वाटर मतलब घुल जाता है जब वाटर को दिया जाता वाटर दिया जाता है इरीगेट करने के बाद जो है इसको डाल दिया जाता है ठीक है तो वीडी से कुछ नाम यहाँ पे देख लेते हैं टू है फोर डी है मेटाक्लोर है ठीक है तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए साइड्स आर स्प्रेड बिफोर And seed है? जब सीड फॉर्मेशन हो उसके पहले ही को कर देना चाहिए ठीक है अच्छा बायोलॉजिकल वो ऑर्गेनि जीरे होते हैं आ, तो उनको छोड़ दिया जाएगा तो ऑबियसली वो वीड्स, वीड्स को आराम से खा पी करके कदम कर देंगे एग्जाम्पल है, है कैल्सियम प्लांट द ग्रोथ ऑफ पार्थेनियम वीड ठीक है हर हर भी हरबे फिश का जो होती हैं वो भी फीड करती हैं एक्वेटिक वीट्स पर हाइड्रिया जिसको बोलते हैं क्लियर तो इस तरीके से भी वीट को हटाया

सो कर दिया गया प्रॉपर उसको इरिगेशन वगैरह हो गई वो उग भी गया वो प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो चुकी है अभी सीजन आता है हार्वेस्टिंग का तो हार्वेस्टिंग यानी कि उसको निकालना है उसको निकालना है अपने यूज के लिए या बेचने के लिए जो भी यूज है उसका ठीक है तो उसको निकालने के लिए ही बोला जाता है क्या हार्वेस्टिंग टर्म यूज किया जाएगा क्या हार्वेस्टिंग तो आफ्टर मैच्योरिंग द क्रॉप वी आर गोइंग टू कट दैट एंड दैट इज नॉट एज वॉट हार्वेस्टिंग क्लियर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स जिसको प्रोड्यूस बोलते हैं ठीक है

अभी हमने उसको जो है हार्वेस्ट भी कर लिया उसको निकाल भी लिया तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है भाई स्टोरेज कहाँ किया जाए ठीक है स्टोरेज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई सारा मेहनत हमने की और स्टोर ढंग से नहीं कर पाया और वेस्ट हो गया पूरा मटेरियल तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्यों क्योंकि भाई अः हमारे कितने पैसे उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट लगी रहती है ठीक है तो इन्वेस्टमेंट इतनी लगी रहती है और एक छोटा मोटा किसान है तो उसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है ऑलरेडी वो लोन में रहता है तो स्टोरेज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है वैसे तो सबका ही इम्पोर्टेंट रोल है बट स्टोरेज द यूनिक रोल इन दिस होल प्रोसेस एक्चुअली ठीक है तो स्टोरेज जो है कई बार गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा रही होती हैं है ना और

पॉसिबल uh, है, है, है कि भाई ग्रेन साइलोज क्या होते हैं ठीक है थीके? तो अर्थ एन कंटेनर्स गनी बैग का भी यूज किया जाता है खास तौर पर ग्रेन साइलोज का यूज किया जाता है ठीक है द गो डाउन ग्रेन आर स्टोर्ड आर फर्स्ट फ्यूमिगेटेड टू गेट रेड तो पेस्ट को रहे क्यों, क्योंकि कर दिया गया और ऐसा छोटी मोटी क्वान्टिटी में तो नहीं रहता दस किलो पाँच किलो बीस किलो ऐसा नहीं रहेगा वो क्विंटल्स में टन में होता है तो एक बार अगर वहाँ पे स्टोर कर दिया गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर वहाँ पे पेस्ट पाए गए तो इसलिए पहले से ही पेस्ट को तो पेस्ट जो है उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना कर पाए उसको खराब ना कर पाए इसके लिए पहले ही पेस्टिसाइड वहां पे दे दिया जाता है ठीक है फिमिगेशन ये हाँ.

चार लोग ही खा सकते हैं मैक्सिमम अगर मैंने ले लिया छोटे छोटे उसके पीसेस करके दे दिया गया तो तो वो उन्हीं को इफेक्ट करेगा बट अगर उसको, मतलब, उसको मतलब उसको मतलब चौंका जाए मतलब उसको चौंका लगाया जाए या किसी भी तरीके से तो उसको जलाया जाए सपोज तो जलाने से क्या होगा कि उसके ना जो वेपर आएगा जो उसका भाप आएगा वो सबको इरिटेट करेगा तो चाहे उस रूम में पांच लोग, हो, दस लोग हो, सौ लोग सबको इरिटेट करेगा यानी वो सबको इफेक्ट पहुंचा रहा है ठीक है तो ये वेपर बहुत ही आसानी से अगर हम किसी भी चीज का तत्व उसका एलिमेंट उसका जो भी चीज है वो सबको प्रोवाइड कराना चाहें ठीक है तो वो बिल्कुल आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है बाई वेपर ठीक है अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूट्रिय प्रोवाइड कराना है तो हमने किसी भी खाने का जो है वेपर ही सूंघना शुरू कर दिया ये नहीं लेकिन आ, इसका काफी इफेक्ट पड़ता है है ना तो क्योंकि उनको क्या ही करना है पेस्ट पेस्टिसाइड से जाएंगे वो उसको खा करके उसको चाट करके जो है मर जाते हैं कई बार जो है उसके वेपर्स को सूंघ करके मर जाते हैं तो उस तरीके से वेपर्स का भी काफी अच्छा यूज होता है ठीक है अच्छा तो केमिकल कैन बी स्प्रेड यूजिंग हैंड ऑपरेटेड मशीन बिल्कुल वहां पे हैंड ऑपरेटेड मशीन रहेंगी उससे केमिकल को स्प्रे किया जा सकता है इजिली क्लियर अच्छा यहाँ पे देखिए आप मैनुअल थ्रेशिंग चल रही है थ्रेशिंग क्यों हो रही है थ्रेशिंग आ, यहाँ पे मैं बताया नहीं थ्रेशिंग का पार्ट थ्रेशिंग क्या है एक्चुअली सबको मालूम होना चाहिए थ्रेशिंग जो है ना उसको पटका जाता है जैसे पैडी को मैंने बताया पैडी में से चावल निकल रहा है कैसे निकल रहा है अभी उसको बैठ करके आराम से उसको काटा नहीं जाएगा उसको पिल आउट नहीं किया जाएगा उसको थ्रेश किया जाएगा उसको पटका जाएगा या उसके ऊपर जो है जानवरों को चलाया जाएगा लाइक गाय भैंस को चलाया जाएगा तो वो चलेंगे तो उनके पैरों से कुचल करके वो जो है अलग अलग सेपरेट हो जाता है ना थ्रेशिंग से वो सेपरेट हो जाएगा फिर विनोइंग होती है ये सारी

ठीक है तो थ्रशिंग होने के बाद जो है उसमें हस्क और जो मेन चीज है वो अलग हो जाती है मेन सब्सटेंस और उसके बाद हस्क को पूरी तरीके से अलग करने के लिए फिर वो विनोइंग की जाती है हम सेवंथ में इस चीज़ को पढ़े थे विनोइंग में क्या रहता है कि या तो हवा जिस डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन में उसको जो है किसी चीज से गिराया जाए उस ग्रेन को तो हस्क जो है हवा के साथ उड़ के चले जाएगा और जो मेन मटेरियल है वो वहीं पर गिर जाएगा या फिर किसी फैन वगैरह का यूज किया जाए ठीक है तो इस तरीके से विनोइंग रहेगी बाद में उसको कलेक्ट किया जाता है

क्यों करना है uh, uh, वही मैंने बताया था ना उतने ज्यादा रहेंगे तो उसमें इंटर करना और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, करना uh, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना उसका इंस्पेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो इसके लिए जो है वहाँ पे uh, स्टैक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है कि आसानी से हर uh, प्रोड्यूस के पास आसानी से पहुंचा जा सके clear? तो इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए आप स्पेसेस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन स्टैक्स ऑफ गनी

ठीक है ईच लेवल हैज एन ओपनिंग थ्रू विच द ग्रेन कैन बी टेकन आउट वेन रिक्वायर्ड ठीक है तो हर आ, लेवल के पास एक ओपनिंग रहती है ठीक है मैं अभी आ, दिखाता हूँ एक सेकेंड अभी साइलोस दिखा देंगे ठीक है या तो आप लोग खुद भी नेट पे चेक कर सकते हैं साइलो किस तरीके का रहता है अच्छा इन आवर कंट्री ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ गवर्नमेंट ऑन गांस बिल्कुल बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब स्टोरेज की बात आती है तो हर किसान के पास इतनी अवेलेबिलिटी इतनी सुविधा इतनी फैसिलिटी नहीं है ना ही इतने पैसे हैं बड़ी मुश्किल से तो ग्रो कर रहा है अब इसको स्टोर भी करे इतना पैसा नहीं रहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ठीक है तो गवर्नमेंट ऑन रिगार्ड्स रहेंगे वहां पे उसको लार्ज स्केल पे रखा जा सकता है स्टोर्ड ग्रेन्स आर में टू लास्ट फॉर द पीरियड बिटवीन टू हार्वेस्ट ठीक है तो दो हार्वेस्ट तक वहां पे लगभग रखा जा सकता है आसानी से एज वेल एज टू प्रोवाइड फूड इन केस ऑफ एरो इज अ क्रो फेल्योर इन अ पर्टिकुलर एरिया एरिया ठीक है क्रो फेल्योर मतलब क्या कह रहा है कि भाई फूड को वहां पे रखा जाएगा इन केस देयर इज क्रॉप फेल्योर है ना मतलब कभी होता है है कि क्रॉप नहीं उगते ना कभी इरिगेशन सही से नहीं हो पाया कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो जब इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती क्रॉप नहीं उग पा रहे होते हैं तो फिर वहां से उसको यूज किया जा सकता है इसलिए क्रॉप फेल्योर का मतलब हुआ की मीन्स पोअर हार्वेस्ट या नो no हार्वेस्ट क्यों क्योंकि ड्यू टू लाइक लाइक फ्लड या disease.

ग्रेन्स वगैरह के लिए था जो साइलोस वगैरह थे वो ग्रेन्स वगैरह के लिए थे ठीक है बट कोल्ड स्टोरेज अब कोल्ड स्टोरेज वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के लिए होते हैं ठीक है तो जहाँ पे टेम्परेचर मेनली कितना रहेगा जीरो डिग्री टू फोर डिग्री सेल्सियस इससे क्या फायदा है ना इससे फायदा क्या है दिस डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख, रखा जाता है इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं क्लियर क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि ह्यूमिडिटी अगर रहेगी तो ही माइक्रोब्स आ जाते हैं ठीक है तो माइक्रोब्स को अगर वहाँ पे नहीं आने देना नहीं ग्रो करने देना है देन वी हैव टू मेनटेन द टेम्परेचर

पड़ता है टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बिकम्स टू लो है हा ना हाउ एवर टेम्परेचर बिकम्स टू लो द स्टोर्ड फूड वेजिटेबल्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड बिल्कुल अगर भाई ज्यादा कम वही चीज आ जाती है ना कि लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा ठीक है तो अगर उसको बहुत कम कर दिया जाए टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा द अदर थिंग इज ह्यूमिडिटी ठीक है जिसको कंट्रोल करना है वो क्या चीज है ह्यूमिडिटी बिल्कुल ठीक है ह्यूमिडिटी इज कैप्ट वेडी हाई

ग्रेन है है, साइलोज हैं ये अः ये सभी पूरे ग्रेन साइलोज हैं इनमें अलग अलग पार्टीशन में देखिए जो होल टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह यहाँ से आ, आ, आसानी से ग्रेन को निकाला जा सकता है ठीक है ठीक है तो केयर हैज टू बी टेकन मतलब बिल्कुल देखना तो पड़ेगा ही जिस तरीके से ग्रेन की हमने बात की कि भाई ग्रेन को स्टोर करके ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए भूल नहीं जाना है कि हमने ग्रेन को स्टोर कर लिया अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें उसको प्रॉपर केयर करना पड़ता है टाइम टू तो टाइम उसको इंस्पेक्शन करनी पड़ती है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कोई पेस्ट कोई डिसीज किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से ग्रेन्स खराब हो जाए है ना तो उसी तरीके से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का भी प्रोसेस है ठीक है उसको स्टोर करके बोलने ही जाना रहता उसको भी टाइम टाइम टू चेक करना रहेगा ठीक है तो पैक्स uh, होते हैं विपेस फॉर द सर्कुलशन ऑफ एयर बिल्कुल एयर तो चाहिए ही चाहिए है ना द कोल्ड स्टोर द डोर्स मस्ट नॉट बी ओपन टू ऑफ है ना बार बार उसको नहीं खोलना है क्योंकि बार बार खोलने से क्या होगा ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ सकती है ना बाहर का टेम्परेचर अंदर ज्यादा जाने के चांसेस हैं और भी तरीके के रीजन इसके होते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह आपका चैप्टर खत्म होता है नेक्स्ट uh, चैप्टर्स uh, हम जो पढ़ेंगे मतलब वो, uh, पहले हम बायोलॉजी का पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे फर्स्ट uh, टर्म की बायोलॉजी देन मे बी फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ भी uh, लेकर के चलेंगे पहले साइंस का ये पार्ट खत्म करेंगे और साथ ही साथ हम एस एस टी का uh, पार्ट खत्म करेंगे uh, सोच रहा हूँ पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर दें ठीक है फर्स्ट टर्म की हिस्ट्री कम्प्लीट करने के बाद देन uh, बाकी की चीज देखेंगे क्लियर तो इस तरीके से पहले फर्स्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद देन क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं Okay, uh, questions a series will cover important questions and all queries related to this that will be released later. Um, if you are new at this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon you know, so that you can get this, this type of videos first at your gadget. Thank you very much.